हेलो दोस्तों, नमस्ते। पूनम ससुई 24 में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट फूड, जिसे हम लोग राज कचौड़ी कहते हैं और सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना राज कचौड़ी। राज कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम राज कचौड़ी के लिए डो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सूजी, महीन वाला सूजी है। अगर मोटा वाला सूजी है उसको मिक्सी जार में आप उसे ग्राइंड कर लीजिए। उसे पाउडर नहीं बनाना है, फाइन महीन कर लेना है। इस तरह से दानेदार रहना चाहिए। और इसमें अब हम लेंगे मैदा। हम बराबर मात्रा में मैदा ले रहे हैं। आधा कटोरी सूजी है, आधा कटोरी मैदा है। आप इसमें चाहे तो एक चम्मच गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पिंच भर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ज़रा सा नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए पानी हम तैयार कर लेते हैं। देखिए, जिस पानी से हम डो तैयार करेंगे उसमें हम ज़रा सा कलर के लिए हल्दी डालेंगे, ताकि हमारा कचौड़ी पीला पीला लगे। बिल्कुल मार्केट में जैसा लुक लगता है, पीला पीला राज कचौड़ी, वो हमें दिखे। इसलिए हम देखिए ये हल्दी डाल दिए पानी में। और अब इसी पानी से हम राज कचौड़ी का डो तैयार करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल के इसका हम एक मुलायम डो तैयार करेंगे। इस तरह से करके हमें इसका एक नरम डो तैयार करना है, क्योंकि हमें इसे 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए भी छोड़ेंगे, तो ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। देखिए इस तरह से हम, इस तरह से देखिए अच्छे से दब रहा है। इतना पे हम इसे छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। एक कपड़ा से हम इसको ढक देते हैं। अब हम इसे एक कपड़ा से ढक देते हैं ताकि डो हमारा सॉफ्ट रहे। 20 मिनट हो गया है डो को रेस्ट किए हुए। अब हम इसे देख लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे से फूल गया है आटा हमारा डो। अब हम इसे एक बार दोबारा मसल लेते हैं अच्छे से। बिल्कुल मुलायम हो गया, सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके लोई तोड़ लेते हैं। अब इसमें हम हल्का सा ऑयल लगा करके लोई में, और इसे हम अच्छा से बेल लेंगे एक बड़ा सा पूरी। इसे आप चाहे तो साइज के अनुसार, जितना बड़ा आपको साइज चाहिए उतने साइज का कटोरी से इसे आप गोल काट भी सकते हैं। इतना मोटा चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। इस तरह का हमें थिकनेस चाहिए, पतला। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब हम सारे कचौड़ी को फ्राई कर लेते हैं। तेल हमें अच्छा से गर्म चाहिए, गैस का फ्लेम हाई रहेगा। और इसे पूरी को हम, कचौड़ी को हल्के हाथों से दबा देंगे। वाव, देखिए क्या राज कचौड़ी है। अब इसके ऊपर हम लोग ऐसे ऐसे हल्का हल्का तेल डालते जाएंगे सावधानी से। इस तरह से ताकि ऊपर से भी क्रिस्पी हो जाए। अब हम इसे सावधानी से पलट देंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारे राज कचौड़ी का, और बहुत ही प्यारा। देखिए अच्छे से फूल गया है, फूले नहीं समा रहा है। अब हम इसे साइड करके निकाल देते हैं। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हो गया है। देखिए लुक से ही आप देख रहे हैं,
और कलर भी देखिए कितना अच्छा कलर है। अब इसे हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल दे रहे हैं। देखिए राज कचौड़ी बनके हमारा तैयार हो गया है। अब इसका हम फिलिंग कर लेते हैं, इसको सजा लेते हैं चल के। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छा बना है। देखिए राज कचौड़ी, आपकी भी राज कचौड़ी इसी तरह से फूले फूले बनेंगे अगर इस ट्रिक से बनाइएगा तो। चलिए अब इसका हम प्लेट कर लेते हैं। राज कचौड़ी हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसे सजा लेते हैं। राज कचौड़ी में डालने के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए। देखिए काबली चने चाहिए जो कि उबले हुए हैं, उबले हुए काबली चने चाहिए, उबले हुए आलू चाहिए जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, थोड़े से सेब चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए काले चने यानी कि लाल चने भी से बोलते हैं, ये भी हम उबाल लिए हैं। आप सीटी दे करके भी, दो तीन सीटी दे करके भी इसे उबाल सकते हैं। फ्रेश धनिया पत्ता चाहिए, हरा मूंग चाहिए खड़ा, ये भी हम उबाल लिए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है लेकिन उबले हुए चाहिए जिससे कि ये क्रश हो जाए इस तरह से। उसके बाद हमें चाहिए फ्रेश धनिया पत्ता, हरी चटनी, इमली का चटनी, थोड़े से प्याज कटे हुए, मीठी चटनी लाल वाली। उसके बाद हमें चाहिए देखिए दही, फेटा हुआ दही चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सादा नमक चाहिए। अब हमें चाहिए डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर, अनार का दाना, नींबू चाहिए आधा, इसका रस हमें डालने होंगे, और सूखे पाउडर में हमें चाहिए तीखा लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और काली मिर्च पाउडर, ये सब चीज़ें चाहिए हमें डालने के लिए। अब हम एक बाउल लेंगे, बड़ा सा बाउल लेंगे, इसमें हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें आलू डालेंगे, कटा हुआ आलू, अलग अलग भी डाल सकते हैं लेकिन अलग डालेंगे तो टेस्ट सब मिक्स नहीं होगा, सारे चीज़ें एक साथ मिक्स नहीं होंगे। अब हम इसमें देखिए काबली छोले डाल रहे हैं, ये भी उबले हुए ही हैं और इसमें पानी में से निकाल देना है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे काला चना यानी लाल चना। अब हम डालेंगे उबला हुआ मूंग, खड़ा मूंग, हरा मूंग। अब हम डालेंगे तीखा लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा काला मिर्च पाउडर। अब हम इसमें हरा मिर्च थोड़ा सा डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ता और इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम फोड़ लेते हैं, देखिए एकदम क्रिस्पी है। अब इसके अंदर हमें डाल देना है, आराम से 4 से 5 चम्मच डालिए क्योंकि हम इसमें अलग अलग नहीं डाल रहे हैं, सब मिक्स कर दिए हैं, इसलिए आप अच्छे से इसमें डालिए। अब हम इसमें धनिया का चटनी डालेंगे, हरा चटनी, बहुत ही टेस्टी लगता है, अच्छे से डालिए। अब मीठी चटनी डालेंगे, थोड़ा सा सेब डाल दीजिए। फेटा हुआ दही डालेंगे, थोड़ा सा प्याज डाल दीजिए। अगर आपको ये सब चीज़ में से कोई चीज़ नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा तीखा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा काला नमक, और फिर से हम थोड़ा सा हरा चटनी डालेंगे। अब हम डालेंगे इमली वाला चटनी,
अब डालेंगे हम मीठी चटनी, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, थोड़ा सा फिर प्याज डाल दीजिए, फिर फेटा हुआ दही हम डालेंगे, थोड़े से टमाटर, आप अच्छे से सेव डाल दीजिए, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, फिर से हम सूखे मसाले डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, काला नमक, सादा नमक, और अब आएगा सबसे लास्ट में ये थोड़ा सा जूलिस डाल दीजिए, यहाँ पे बीटरूट डाल दीजिए या फिर टमाटर का या फिर अदरक का डाल दीजिए। अब हम डालेंगे इसमें सबसे लास्ट में अनार का दाना, जो कि बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा तैयार हो गया राज कचौड़ी। देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर हमारा राज कचौड़ी बनके तैयार हो गया है। एक बार आप भी इसे बना करके ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से। अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसा लगा हमारा रेसिपी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।